मांगे पूरी करो। जेएनके बंटवारा एसोसिएशन इंसाफ हमें क्या चाहिए? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकने बंटवारा एसोसिएशन जेएनके बंटवारा एसोसिएशन इतिहाद बंटवारियां इतिहाद बंटवारियां जेएनके बंटवारा एसोसिएशन इंसाफ के आगे झुकना हमारा नारा है। जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। ऑल चेंज एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल चेंज एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जेएनके पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं श्रीनगर, जो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यूज आज और नौवें दिन जो है वो पहुँच गई है। हमारी स्ट्राइक के मेन जो मुद्दे हैं वो है जो हमारे पटवारी हैं उनको 2800 रेट पे जो है वो दिया जाए। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है नायब तहसीलदार साहिबान की, उसमें जो है यूपी लद्दाख जो है उसका पैटर्न जो है वो अडॉप्ट किया जाए, जिसमें 75% जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के तहत हों और 25% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए, ताकि इससे जो हमारे काफ़ी काबिल लोग जो हैं हमारे डिपार्टमेंट में उनको मौका मिल सके आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। ग्रेड पे का जो हमारा इशू है ये काफ़ी देर से चला आ रहा है। जैसे 2013 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जो रिक्रूटमेंट के समय जो ऑर्डर निकाला गया था अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसमें 2800 पे ग्रेड जो है वो मेंशन किया गया था, लेकिन बाद में एक कोरिएंडम निकाल कर उसको 2400 कर दिया गया। अब जो ग्रेड पे की जहाँ तक बात है ये हमारा राइट बनता है, क्योंकि जो हमारा राइट हमें दिया गया फिर उसको छीना गया, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर संजीदा हो और इस पर जो है वो तवज्जो दे। हमारा हड़ताल का 9वां रोज है। अभी तक हमारी डिमांडों के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है क्या करना है, और हमारी हड़ताल जो है कंटिन्यूसली चली जा रही है। आज के लिए सुना है कि आज मीटिंग है, उन्होंने बुलाया है हमारी एसोसिएशन के लीडरों को कि कुछ हल निकाला जाए इसका। हमारी डिमांडें डे वन से आपको पता है, ग्रेड पे 2800, डायरेक्ट बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें हमें परसेंटेज चाहिए, क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पटवार हल्का पटवार खाना, ये सब डिमांडें हमारी डे वन से हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डीपीसी हुई थी 7 महीने पहले, अभी तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। इस दौरान हमें एक और डीपीसी होनी चाहिए थी, जो मतलब सिस्टम के हिसाब से 6 महीने के बाद डीपीसी होती है, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। हमारी गुजारिश रही कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट से और कि ये हमारी डिमांडें जल्द से जल्द पूरी की जाए।